ये मर ही रहे हैं। एक ब्रज की बड़ी सुंदर कथा आती है। एक चौबे जी थे, उन्होंने होली के मास में क्या है, वहाँ नशा बहुत किया जाता था उनका, और वो भी शौक में करते हैं सब। उन्होंने क्या किया, नशा किया यानी थोड़ा सा वो भंग खा ली, और यमुना जी के किनारे पहुंचे तो जैसे ही नाव में बैठने चले तो उन्होंने देखा नाव में बैठ तो गए पर नशा चढ़ना शुरू हो गया। हाथ में बल्ली पकड़ी और सोचने लगे चलो आज कन्हैया का तो रोज दर्शन करते हैं पर आज तो हम गाऊ भैया का दर्शन करेंगे। अब बल्लिया लेके चलाने लगे, नशा चढ़ रहा है। सारी रात बल्ली खूब चलाई पर पार नहीं हो पाए। और जब सवेरे भयो तो सवेरे के समय नशा थोड़ो हल्को भयो। अब दादा ने जैसे देखी सवेरे है दो मथुरा से कछु बच्चे स्नान करने के लिए विश्राम घाट पे आए, सो बाबा ने दूर से देखा, पूछने लगे लाला ये कौन सा घाट है, ये कौन सा गांव है। बोले ये मथुरा है और विश्राम घाट। अरे महाराज मैं तो संजाते बैठे नाम में और इसी घाट पे बैठे और रात भर है गई बल्ली चलाते चलाते पर अभी गोकुल में आया। मैं तो सोच रहे आज हवा तो इतनी दूर है गोकुल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 5 मिनट की रास्ता है और भैया तो रात भर है गई बल्ली अखिया चल चल। सो बालक बोले बाबा थोड़ी सी तो भूल है गई, कहा मेहनत तो बहुत करी है तुमने, बल्ली भी खूब चलाई लेकिन एक भूल हो गई। क्या? बोले भूल ये हो गई है कि जब नाव की रस्सी जो है वो झूठा में बंधी है, या रस्सी पहले खोल तबते ही नाव आगे बढ़े, तो ये मन रूपी रस्सी जो है ये यदि संसार में बंधी रही तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमात्मा बहुत दूर है। इसलिए मन को थोड़ा भगवान के चरणों में लगाएंगे और भाव से छोटा सा कीर्तन और कथा सुनेंगे।